सो के उठ गई आज मॉर्निंग में, हमने सारी पैकिंग की है, चैनल आए हो। फिर सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे दिवाली के बाद। अभी सीधा क्रिसमस में आप लोगों से मिल रही हूँ। दिवाली के वेकेशन से तो ब्लॉग बना लिया, क्रिसमस की वेकेशन तो नहीं है, बट हम लोग जा रहे हैं कहीं वेकेशन पे। कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। और हम लोगों को ना कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो देखो अभी तो मैं जस्ट उठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई। कल रात में पीयूष के स्कूल में कार्निवल था, तो मैं ऑफिस से सीधा पीयूष के स्कूल में गई थी कार्निवल के लिए, और फिर वहाँ से लेट आई रात में और बहुत ज़्यादा थकी हुई। तो अभी जस्ट उठी हूँ, चाय वगैरह पी है थोड़ा सा, और अभी फटाफट से मैं ना रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, सारे घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। आज मैंने छुट्टी ली, आज सैटरडे है तो सैटरडे की मैंने छुट्टी ली है, और कल तो संडे ही है। तो कल से हम लोग हफ्ते भर के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में पता चलेगा, बट अभी हम लोगों को आज बहुत सारी तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे। इस तरह से मैं ना कोविड के पहले ही बाहर कहीं गई थी, मतलब ऐसे 2-4 दिनों के लिए कहीं स्टे करना है, ऐसी ट्रैवलिंग मैंने कोविड के पहले ही की थी। और कोविड के बाद जब हम लोगों ने बाहर कहीं गए भी है, तो जैसे सुबह गए तो शाम में आ गए, एक दिन की ट्रैवलिंग ही हमने की है। तो अभी बहुत सालों बाद मैं बोलूँगी कि मैं इस तरह लॉन्ग टूर पर निकल रही हूँ। तो कहाँ निकल रही हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इनफैक्ट वीडियोस जो अभी रेगुलरली आएंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियोस पहुँचा सकूँ। आप लोगों के साथ ये जर्नी करनी है मुझे YouTube के साथ, क्योंकि मेरे YouTube पे आने के बाद ये फर्स्ट मेरा लंबा टूर रहेगा जो मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और Instagram पे अगर मुझे फॉलो नहीं करते तो Instagram पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिलेंगे। ओके गाइज, तो अभी चलो आज है ना फटाफट से मैं सारे तैयारी करती हूँ, सारा रूम वगैरह क्लीन करती हूँ, फिर मम्मी को बाहर भी जाना है, बाहर सामान लाना है, पैकिंग करना है, बहुत सारी तैयारी करनी है। तो हमारी ये पैकिंग में आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा इस टूर को। ओके सारे वायर्स मोबाइल के चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, ईयरफोन है। तो रात में मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मैं पूरा मेरा सामान लेकर बैठती हूँ, और फिर रात में बहुत लेट हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पे रख देती हूँ, फिर अगले दिन सुबह उठकर सब कुछ समेटती हूँ। तो अभी वही बस तैयार, सारी पैकिंग वगैरह करता है, तो ये सब सामान को भी इसको जगह पर लगा देना है, वरना ये मेरा लैपटॉप टेबल है तो यहाँ सिर्फ लैपटॉप ही रखती हूँ, चार्जर्स वगैरह जो है सब कुछ अंदर अभी रख देना है मैंने जल्दी से। और इसको क्लीन भी करना है, आज बहुत सारे कपड़ों की आयरनिंग भी मुझे करनी है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े में ऐसे ही कपड़े पड़े हुए हैं, हफ्ते भर में टाइम ही नहीं मेरा बिल्कुल तैयारी के चक्कर में, आज बहुत सारे काम करना है। गाइस, सुबह ब्लॉग वगैरह बनाया, थोड़ा बहुत वीडियो लिया, और उसके बाद पता नहीं इतनी ज़्यादा थकान हो गई मुझे, इतनी ज़्यादा, और ठंडी इतनी बज रही थी दोपहर के टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा। अभी आजकल तो हर जगह पे बहुत ठंडी बज रही है, तो मैं बस बोली कि थोड़ी देर के लिए खाना खाने के बाद मैं शॉल वगैरह लेकर थोड़ा सा बैठती हूँ, रेस्ट लेती हूँ सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, लेकिन कब आग लग गई पता ही नहीं चला, और आग लग गई, नींद लग गई, सो गई मैं, तो कोई काम भी नहीं किया। कपड़ों की इस्त्री करते करते वैसे ही छूट गए कपड़े, और उठी सीधा 5 बजे पापा आए थे कि मम्मी को बाहर जाना था, कुछ सामान लास्ट मोमेंट पे सामान लाना है। अभी देखो शाम के 6:15 बज रहे हैं,
मेरे पीछे पूरे कपड़ों का ढिगार है। सुबह भी ऐसे ही कपड़े थे, बट क्या था ना, कल के जो कपड़े थे वो हम लोगों ने आज सुबह खड़ी कर लिए, लेकिन कल सुबह हम लोग रहेंगे नहीं, हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो फिर तभी ये सब कपड़े वगैरह खड़ी करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो इसीलिए फिर अभी जितने भी कपड़े हैं वो सारे मैंने निकाल के लाई हूँ बाहर से। मम्मी पापा पीयूष तीनों भी अभी बाहर गए हैं, क्योंकि कुछ स्वेटर्स है जिसके ना चेन वगैरह ख़राब हो चुके हैं, तो उसको मम्मी सुधारने के लिए गई है, और फिर कुछ मेडिसिन वगैरह भी लाने के लिए गई है, थोड़ा बहुत सामान जो रहता है वो सब लाया है। और उसके बाद फिर रात में हम लोग डिनर वगैरह जल्दी करके पैकिंग करेंगे, क्योंकि सुबह बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। बस नींद में से उठे, तैयार हुए, फ्रेश हुए, नहा धोकर रेडी होके हम लोगों को तुरंत निकलना है जल्दी से। तो इसीलिए सारी पैकिंग करना, सब कुछ खाना वगैरह सब तैयारी हम लोगों को अभी रात में ही करके रखनी है, और सुबह जल्दी भी उठना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम लोग आराम से डेली जैसा उठेंगे, 4-5 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकलना है हम लोगों को। और अभी वही तैयारी चल रही है, मुझे ना पार्लर भी जाना था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले घर का सारा काम वगैरह निपटा लेती हूँ, फटाफट से बर्तन भी जमाने बाकी है, फिर शाम की दिया बत्ती वगैरह करके और फिर मैं पार्लर जाके आती हूँ। उसके बाद फिर मम्मी आएगी, मम्मी भी अभी लेट ही आएगी मम्मी को, क्योंकि शाम का टाइम ठंडी भी है और मार्केट में अभी ये टाइम पर बहुत गर्दी भी रहती है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है आज, और आज पूरा दिन तो यही काम में और इसमें लग गया, और कहीं जाने की एक्साइटमेंट होती ना तो काम भी नहीं किया जाता। लाइट आ रही है ना मेरे फेस पे, बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अभी देखो मेरे बाल भी, मैंने सुबह हेयर वॉश किया था लेकिन बालों को बांधने का भी मुझे टाइम नहीं मिला, वैसे ही बांध के रखा हुआ है मैंने जस्ट, तो वो भी है। और ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के सिटी में ठंडी का कैसा सिचुएशन है मुझे कमेंट करके बताना। और अभी क्या बोलूँ, समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत दिनों बाद में मैं कैमरा लेके व्लॉग बना रही हूँ। इस साल ना मुझे व्लॉग बनाने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला, तो अब मेरी ऐसा लग रहा है आदत ही टूट गई है मेरी, तो अब वापस से कैमरा लेके मुझे रोज़ व्लॉगिंग करना शुरू करना पड़ेगा, वरना व्लॉगिंग मेरी छूट जाएगी। बट नहीं, व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी, और अभी जब तक ट्रैवलिंग पे हूँ मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए डेली व्लॉग, डेली तो कैसे मुझे पॉसिबल, जैसे भी पॉसिबल होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे कभी नेटवर्क मिलता है नहीं मिलता है, वीडियो अपलोड करने के लिए एडिटिंग भी होना चाहिए, तो वो सब करके जितना भी जल्दी हो सके बट रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मैं वीडियोज़ पहुँचा सकूँ, इसकी ज़रूर ट्राई करूँगी। और आप लोगों के साथ बातचीत भी नहीं हुई तो सोचे चलो थोड़ी देर के लिए काम साइड में रखती हूँ, पहले मेरी YouTube फैमिली से मिलती हूँ, आप लोगों से थोड़ी बातें करती हूँ, ताकि मुझे भी एक काम करने का एक अलग ही एनर्जी मिलती है जब आप किसी के साथ बात करते हो, कुछ शेयर करते हो, और एक्साइटमेंट है काफ़ी ज़्यादा अंदर से बाहर जाने की, तो बस वही है। चलिए गाइज, अभी आप लोगों से बातें करते करते पता नहीं कितना, थोड़ा सा क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है अभी शाम में, और फिर आकर वापस से नहाना भी है, और नहाने के बाद हमारे जितने भी कपड़े निकलेंगे वो सब रात में ही धो के डालने हैं, ताकि कल सुबह तक वो कपड़े सूख जाएंगे, और फिर उसको वापस सुबह जाकर घड़ी करना है। यार कपड़ों का काम ना ख़त्म ही नहीं होता है, आप लोगों के घर में भी चलता है कैसे कपड़ों का काम मुझे कमेंट में बताना, ठीक है गाइस। तो चलो जल्दी जल्दी से मैं अभी कपड़े वगैरह घड़ी कर लेती हूँ, बर्तन जमाती हूँ, दिया बत्ती करती हूँ, फिर बाहर जाके आती हूँ और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। पार्लर जा रही हूँ, शाम के 7-7:15 बज रहे हैं, और मैंने पार्लर में कॉल भी किया ना तो वो बोले कि उनका पार्लर क्लोज होने वाला है, तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे ना कल अर्ली मॉर्निंग ही जाना है, तो फिर कल तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तो फिर उनको बोली कि अभी थोड़ी देर उन्होंने है उनके पास थोड़ा सा टाइम, तो उन्होंने तुरंत आने के लिए मुझे बोला, इसलिए एकदम जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ और अभी जाके आती हूँ पार्लर, क्योंकि बाहर जाना हो गर्ल्स लेडीज़ पार्लर ना जाए ऐसा हो सकता है, क्या आप ही बताओ। तो बस अभी पार्लर जाती हूँ, मेरे घर से पास में ही है तो जल्दी जाती हूँ, अभी तक मम्मी आई नहीं है, मम्मी को आने के लिए और 1 घंटा है। A few moments later. सुबह आ गई हूँ मैं घर पे, 10 मिनट में ही आ गई, मतलब मुझे लगा था टाइम लगेगा या क्या, बट 10 मिनट में आ गई घर पे। अभी मम्मी उनको आने को फिर भी टाइम है, तो अभी मैं जल्दी से पहले ना नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
The next day. अभी सुबह से तो मैं कैमरे के सामने आई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी काम करने की, सारी तैयारी करने की। कल मैंने अपने को बोला था कि शाम में ही हम लोग पैकिंग करेंगे, बट मम्मी पापा जब रात को बाहर से आए थे ना तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि खाना बनाना सब कुछ बाकी था और लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मम्मी ने बोला था कि सुबह उठ के पैकिंग करेंगे, तो सारी पैकिंग बाकी थी, सब कुछ बाकी था और बहुत दिनों बाद जा रहे ना तो बैग्स भी हम लोगों को मिल नहीं रहे थे किधर है क्या है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो सुबह उठ के आज मॉर्निंग में हम लोगों ने सारी पैकिंग की है, देखो सारे बैग्स वगैरह पैक करके यहाँ पे रखे हुए हैं। ये एक ऊपर जो हमने शॉल स्वेटर वगैरह ऊपर लिया है, और फिर भी अभी फाइनल जो है ना मुझे मोबाइल के चार्जर और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखने हैं और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, तो क्या थोड़ा पाउडर वगैरह, कंघी क्लिप्स वगैरह, ये सब कुछ पैक करना बाकी है अभी, तो वो कर लूँगी अभी। और मम्मी जो है अभी मम्मी का ही नहाना और तैयार होना बाकी, बाकी हम सब लोगों ने नहा लिया है और आज का पूरा दिन हमारा जो है वो ट्रैवलिंग में ही जाने वाला है। और फिर रात में हम लोग कहीं स्टे करेंगे अगर होटल मिल रही है हम लोगों को रास्ते में, या पता नहीं अभी कैसे होता है क्या होता है। तो आज ज़्यादातर तो कहीं साइट सीइंग वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन अभी हम लोगों का ज़्यादातर दिन ट्रैवलिंग में जाने वाला है, इसलिए हम लोगों ने ऐसे सिंपली मतलब कैजुअली पहना है कपड़े वगैरह, कुछ भारी जो अच्छे कपड़े वगैरह हम लोगों ने पैक कर लिए। जब जाएंगे वहाँ पे तो हम लोग चेंज करेंगे, कहाँ जाएंगे आप लोगों को मैं बताऊँगी आगे जाके, बट अभी चलो जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत पैकिंग कर लेती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं और फिर आप लोगों को लेके चलते हैं। इसी के साथ घर पर ही मैं अभी आज का ये वीडियो एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोगों को रिवील भी करूँगी कहाँ जा रही हूँ मेरी इस जर्नी में। मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और आप लोगों को भी, आप लोगों के साथ मुझे ये जर्नी कंटिन्यू करनी है आगे। तो कहाँ जाने वाली हूँ, कैसे जाने वाली हूँ, कैसी रहेगी हमारी ट्रैवलिंग, सारा कुछ एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आने वाले वीडियोज़ में। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और गेस कीजिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप लोगों का गेस कितना राइट आता है, कितना रॉन्ग आता है। ओके गाइज, मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।